जय हिंद भाइयों। आज के डेट में मतलब इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आज इस टाइम में जो कि चल रहा है, इस टाइम क्या चल रहा है, वोट का माहौल चल रहा है, तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो सपा का मतलब बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो सपा वाले हैं उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई भी मतलब इसका उसका आपस में एक से एक लग रहा है कि ऐसे कि मतलब इसका बुरा ही उसको, उसका बुरा ही उसको, तो उन लोगों को आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही चीज़, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है मेरा कि जैसे हम लोग प्रिपेयरिंग लाइफ में इतने दिन से वैकेंसी नहीं आ रही है, कितनी आई तो क्लियर नहीं हुई, रद्द हो गई, कुछ स्टूडेंट भी हैं जो रनिंग भी करते हैं, स्टडीज़ भी करते हैं, प्रिपेयरिंग लाइफ तैयारी भी करते हैं, वो लोग भी समाजवादी और सपा के चलते कितने लोग आपस में मारपीट, भाईचारा अपना बिगाड़ ले रहे हैं। आपके घर में आग लगेगी तो आपका फ्रेंड या आपके बगल वाला पहले जाएगा, समझ में आ रहा है ना? कोई न अखिलेश आएंगे और न योगी मोदी आएंगे बुताने के लिए। तो मैं ये भी डेडिकेट कर रहा हूँ दोस्तों कि अपना भाईचारा बनाए रखो, ठीक है? ये नहीं कि वो उसका लगा दिया तो उसको गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, या कोई योगी का लगा दिया या कोई मोदी का लगा दिया या कोई अखिलेश का लगा दिया तो उससे बात मत करो, उसे ब्लॉक कर दो, गाली दो, उल्टा सीधा आपस में लफड़ा करो, ये सब गलत है यार। मैं बहुत देख चुका हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है? और जब तक अखिलेश भैया नहीं आएंगे तब तक भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मैं मानता हूँ कि आप बीजेपी सपोर्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। स्टूडेंट से रिलेटेड कोई 5 पॉइंट हमको यूट्यूब पर इसी वीडियो पर कमेंट करके बताओ। मुझे नहीं पता है कि स्टूडेंट्स के लिए 5 पॉइंट ऐसा क्या किया है उन्होंने, बताइए बस 5 पॉइंट। मैं समाजवादी वाले से भी बोल रहा हूँ और बीजेपी वाले से भी बोल रहा हूँ कि समाजवादी वाले, अगर मैं भर भर के पूछ दूंगा, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं भर भर के पूछ दूंगा कि इसका क्रिटिसाइज बताओ, इसका वीक पॉइंट बताओ, इसकी कमी बताओ ना, लंबा चिट्ठा लग जाएगा, समझ लो भाई। और आप लोगों से मैं बस ये पूछ रहा हूँ, आप लोग 5-5 पॉइंट, बस 5-5 पॉइंट बताइए स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट हुआ है, समझ में आ रहा है ना यार? भाई यही आस है सबको कि अखिलेश भैया आएंगे तो कुछ अलग करेंगे, कुछ तो कुछ अलग करेंगे, समझ में आ रहा है ना? इसके बिना मतलब देखो जितने भी स्टूडेंट हैं कोई भी नहीं चाहता है कि मोदी आए, क्योंकि स्टूडेंट्स का कोई लाइफ ही नहीं है यार, कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं निकल रहा है, अगर कोई निकल भी रहा है तो जल्दी कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, ये है वो दिस दैट। तुम अगर क्या नाम है कि एक बार, चाहे आप बीजेपी सपोर्टर हो या आप समाजवादी सपोर्टर हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, अगर स्टूडेंट हो एक बार वो मेरी वीडियो देखना कि कितनी वैकेंसी रद्द किया है, ठीक है? एक बार उस वीडियो को देखो, 18 से 20 वैकेंसी रद्द किया है, समझ में आ रहा है? जो स्टूडेंट है वो लोग भी सपोर्ट करता है। अरे यार एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि तुम पढ़े लिखे हो ना, पिछले 2018 से कम 20 थे 22 थे ऐसी वैकेंसी आई थी जो कि क्लियर नहीं हुआ है। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, मैं बनाया हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी आई थी जो कि रद्द हो गई है, क्लियर नहीं हुई है, समझ में आ रहा है ना? जो तैयारी कर रहे हो भाई, ये बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी ना तो तैयारी करते ही रह जाओगे, लेकिन जो नौकरी वाला सपना है ना कभी पूरा नहीं होगा दोस्त, एक चीज़ याद रखना। और जो रनिंग करता है, जो बीजेपी का बढ़ावा दे रहा है, तुम भी भाई सुन लो, रनिंग करते ही रह जाओगे दोस्त, लेकिन जो वर्दी का सपना देखे हो ना कि बॉडी पर वर्दी चढ़ेगी, हम आर्मी में जाएंगे बॉर्डर पर ना, कभी पूरा नहीं हो पाएगा, मेरे से मिल लेना, ठीक है?
बीजेपी सपोर्टर हो भाई अच्छी बात है, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर के बारे में सोचो कि इसी तरह रहोगे, इसी तरह गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तो हम लोगों का फ्यूचर कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? हम लोगों का भविष्य आने वाला कैसा होगा, क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तब क्या करोगे बताओ? वैकेंसी तो पहली बात तो मैं बता दूँ ना, रियलिटी में उस वीडियो में भी बोला था कि वैकेंसी आती नहीं है जल्दी। ठीक, आ भी जाएगी तो उसका क्लियर भी कुछ नहीं रहेगा। क्लियर भी हो गया, क्लियर होने के बाद एग्ज़ाम कब होगा वो होने। सो भाई जाते जाते यही बोलूँगा कि आपस में भाईचारा बना के रखो यार, मन में बिगाड़ मत रखो, मन मोटाव मत रखो कि तुम बीजेपी सपोर्टर हो, तुम सपा सपोर्टर हो, ये वो दिस दैट नहीं यार। मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आपस में मिलजुल के रहो यार, ठीक है? और जो हम लोगों को लेकर के जागरूक मतलब उत्सुकता है उसके अंदर, जो हम लोगों के लिए फैसिलिटी दे रही है, हम लोगों के लिए जॉब दे रही है, हम लोगों के लिए कुछ कर रही है या इस देश के लिए कुछ कर रही है, उसका सपोर्ट करो यार। ये थोड़े ना कि जो बेच रहा है, जो हम लोगों की लाइफ से खेल रहा है, उसका सपोर्ट करो। सो यार माइंड है ना, ध्यान देना, ठीक है? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।